हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नीतास किचन। आज मैं आप लोगों के साथ बथुए की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बथुआ के साग या भुज्जी तो आप बहुत ही खाए होंगे, पर मैं आज बनाने जा रही हूँ कुछ नया। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बथुआ के पकौड़े। ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। और बथुआ के पकौड़े कैसे बनाएं ये देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हमने यहाँ पे बथुआ को अच्छे से बीन लिया है और 3-4 पानी से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद हमने इसे बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बेसन। तो यहाँ पे हम कटे हुए बथुए में बेसन ऐड कर देते हैं। 1/2 स्पून काली मिर्च पाउडर लेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे हम बारीक कट कर लेंगे या फिर आप ये कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। 1 स्पून अजवाइन, इसे क्रश करके इस तरह से ऐड करें, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। 4 हरी मिर्च है। स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी ले रही हूँ कलर के लिए। आप तीखा अपने मन पसंद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तब इसे हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी अभी वॉश किया है, तो इसमें मॉइस्चर अभी अवेलेबल है। एक बार हम बेसन और बथुए को मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। क्योंकि अगर हम पहले नमक ऐड करेंगे तो फिर अगर इसमें पानी ज़्यादा होगा तो फिर वो ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने मिक्स कर दिया है, तो हमें यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा पानी लगेगा, तो इसलिए हम हाथ पे थोड़ा सा पानी लेंगे और छिटकते हुए मिक्स करेंगे। ध्यान रहे एक साथ पानी ना डालें क्योंकि बेसन है वो ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब नहीं करता है, तो ये बैटर है वो गीला हो सकता है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि बैटर ज़्यादा गीला ना हो जाए। अगर बैटर ज़्यादा गीला होगा तो फिर जो हमारे पकौड़े हैं वो क्रिस्प नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2-3 मिनट हमने इस तरह से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं लगा है और एकदम परफेक्टली बैटर बन करके तैयार है। तो यहाँ पे देखिए बथुए की पकौड़ी बनाने के लिए मिक्सचर तैयार है। और एक तरफ हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, तो एक एक करके हम इसमें पकौड़े ऐड करेंगे। तो एक बारी में उतने ही तले जितने की आसानी से इसमें पलटे जा सके। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पकौड़े तो हमने बहुत तरह के खाए हैं, पालक पकौड़े और सिंपल आलू गोभी के पकौड़े, पर हम यहाँ पे आज बथुए के पकौड़े बनाएंगे। यकीन मानिए बना करके एक बार ज़रूर खाइए, बहुत ही टेस्टी होता है और एकदम कम टाइम में बन जाता है। तो आप इसे टी टाइम में एक बार ज़रूर बनाइए। और यहाँ पे देखिए एक तरफ से पक चुका है, तो अब हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे और एकदम क्रिस्प अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे डीप फ्राई कर लेंगे। और आप मुझे रेसिपीज़ के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। पकौड़े को हमने तब तक तलना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। अगर आपके पास बथुआ है तो आप उसके साग भी बना सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं या फिर रायता बना सकते हैं। और ये ऑप्शन है कि आप पकौड़े भी बना सकते हैं। तो अगर आपके घर में मेहमान आया है या फिर स्नैक्स के टाइम पे आपको कुछ बनाने का मन है तो फटाफट से आप ये पकौड़े बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बथुआ के पकौड़े एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है, रेडी है। तो इस स्टेज पर हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे हम ऑयल से अलग निकाल लेते हैं। अब प्लेट में निकालेंगे टिश्यू पेपर पे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अब्सॉर्ब हो जाए। तो देखिए बथुआ के पकौड़े बन करके रेडी हैं। तो आप इसे गर्मा गर्म हरी चटनी या फिर टमाटो सॉस के साथ सर्व करिए। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बार इसी तरह की एक और नई रेसिपी के साथ। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।